वो हास व्यंग का कवि है जिसको कभी आपने जीनियस कवि युद्ध प्रोग्राम आता है उसमें देखा होगा। कई टीवी चैनलों पर लाफ्टर लेकर के कविता लेकर के और कभी ज्ञान की बात कर दे तो उसकी कविता अपने आप में जादू हो जाती है। उसका नाम होता है डॉक्टर अखिल आनंद। मैं चाहता हूँ कि आपके घनघोर पानियों के बीच उसे आमंत्रित करूँ। आओ डॉक्टर अखिल कि अभी तक सत्य सिंधु सभ्यता की शान जिंदा है। अभी तक सत्य सिंधु सभ्यता की शान जिंदा है। वही जीव जिंदा है, वही ईमान जिंदा है। खालिद भाई मिले थे, बैठे हैं क्या खालिद भाई यहाँ पे? अभी हमें गाड़ी में लेके आए थे और उन्होंने जब गाड़ी में लेके आया तो शेर सुनाया। उस शेर को सुन के ये चार पंक्तियां मेरे दिमाग में आई कि अभी तक सत्य सिंधु सभ्यता की शान जिंदा है, वही तहजीब जिंदा है, वही ईमान जिंदा है। और जमी में दफन है सारे वतन को बांटने वाले, जमी में दफन है सारे वतन को बांटने वाले। और हमारे भाईचारे से हिंदुस्तान जिंदा है, हमारे भाईचारे से हिंदुस्तान जिंदा है, हमारे भाईचारे से हिंदुस्तान जिंदा है। हंसी मस्ती और हास्य की बातें होती रहेगी। हंसाने की कोशिश की एक कविता के माध्यम से जो पहला होता है ओपन कवि सम्मेलन को किया गया, जो ओपनर की जवाबदारी होती है। कविता विता ये सुनाएंगे आपको हंसाकर कविता के लायक वातावरण बनाना चाह रहा था। एक कविता सुनाकर मैं प्रारंभिक कवि की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना चाहता हूँ। एक कविता सुनाना चाहता हूँ साहब। बहने बैठी है उनको चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे अग्रज बैठे हैं उनको मैं नमन करता हूँ। भाई साहब भी आ गए हैं बैठे। दो माँ होती हैं, एक होती है धरती माँ, एक होती है जन्म देने वाली माँ। धरती माँ जो होती है वो हमें अस्तित्व प्रदान करती है, जो जन्म देने वाली माँ होती है वो हमें जीवन प्रदान करती है। माँ का अगर मूल्य जानना है, माँ का अगर मूल्य जानना है, माँ क्या होती है? 9 महीने हमें पेट में, एक डॉक्टर हूँ साहब, अगर जो फीटस आता है 600 और 700 ग्राम, 800 ग्राम, 2 पौंड, 3 पौंड, 4 पौंड का बच्चा होता है। एक ईंट एक दिन अपने पेट पर बांध कर देख लेना, पता लग जाएगी माँ क्या होती है। अगर बेहयाई की हदों को लांघ कर देखो, कलेजा चीर कर देखो, खुशी से मांग कर देखो, अगर एहसास करना है कि माँ का मूल्य कितना है, अगर एहसास करना है कि माँ का मूल्य कितना है, तो अपने पेट पर पत्थर किसी दिन टांग कर देखो, अपने पेट पर पत्थर किसी दिन टांग कर देखो, अपने पेट पर पत्थर किसी दिन। अब मैं वो कविता माँ की भूमिका में बात कर रहा था, मैंने दो माँ की बात करी, मैं वो कविता रखना चाहता हूँ। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, हम सभी ने अपनी माँ को देखा है, हमें उसको याद करना है। जिन भी माँ नहीं है उनकी स्मृतियों को याद करना है। मैंने पहले कहा ओपनर के तौर पर मुझे खड़ा किया, मैं सिर्फ अपनी जवाबदारी तय कर रहा था। मैं हास्य की बहुत सारी बातें कर सकता था, पर हमें उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो बीच पर बैठे हैं, उन तक यात्रा करनी है। थोड़ा सा विलंब से थे, मैं अपनी जवाबदारियों को पूर्ण कर रहा हूँ। माताएं बहने विशेष रूप से 5 महिलाएं बैठी हैं, आप माँ हैं, अपनी माँ को याद करना और जिनकी माँ नहीं है उनकी स्मृतियों को याद करना। अगर बात अच्छी लगे अपनी माँ के सम्मान में ताली बजाकर मेरे कविता का सम्मान कर देना, आपकी आंख से आंसू गिर जाए तो सोच लेना अखिल आनंद की कविता के स्वर से निकलाइए आंसू, मेरे माँ के चरणों की वंदना कर देगा। अपनी माँ को याद करना है, मैं कविता रखता हूँ। स्वागत भैया, लेकिन कविता पढ़ूं उसके पहले बता दूं, मैं जो भी लिखता हूं, मैंने जो कुछ भी आज तक लिखा वो मैंने सत्य घटनाओं पर लिखा। कोरोना काल की बात होगी, कोरोना काल में क्या हुआ था, मेरे घर में जो बर्तन मांजने वाली दीदी जो बरौनी आती है ना, वो 3-4 दिन नहीं आई। मैं कोरोना की ड्यूटी पे था, 4 महीने में घर नहीं आया था, तो मेरी धर्म पत्नी का एक दिन फोन आया
छुप छुप के वो बर्तन धोने वाले कविता के विश्वविद्यालय हैं, आप अगर आपने पास कर दी तो अखिल का लेखन सफल हो जाएगा। तो वो नहीं आई तो मेरी धर्म पत्नी ने कहा आप डांट के नहीं हो, वो बरौनी नहीं आ रही है। मैंने कहा धर्म पत्नी वो झूठे बर्तन मांगती है, लॉकडाउन चल रहा है, चार दिन अगर तुम बर्तन मांग लोगी तो तुम्हारे हाथ भूल जाएंगे क्या? लेकिन उसने कहा नहीं आप बात करो। अब धर्म पत्नी की बात थी, मैंने चार दिन बाद जब उस अम्मा से कहा अम्मा तुम क्यों नहीं आई, तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा बेटा मुझे पैसों की व्यवस्था करना था, पैसे की व्यवस्था कर रहे थे। हमने कहा क्यों अम्मा? बोले वो लॉकडाउन की पढ़ाई थी, घर में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, मुझे बच्चे को एंड्रॉइड मोबाइल देना था, वो 10,000 का मोबाइल आ रहा था, मेरे पास 10,000 नहीं थे, तो मैंने कहा अम्मा वो 10,000 कहाँ से आया? अम्मा ने बोले मैंने बेटा चार दिन सबसे भीख सी मांगी, पैसे नहीं मिले, मैंने अपना मंगल सूत्र बेच दिया और बेटे को मैंने एंड्रॉइड मोबाइल दिला दिया। तब जाकर मैंने चार पंक्तियां लिखी थी कि सुहागन अपना श्रृंगार बेचाई और अपनी खुशियों का संसार बेचाई, जरूरत बेटे को मोबाइल आई थी इसलिए माँ अपने गले का हार बेचाई, इसलिए माँ अपने गले का हार बेचाई। और दुख की बातें आते आते, दुख की बातें आते आते सुख की बातें बीत गई और माँ की बात निकल आई तो मेरी आंखें बीत गई। अब आप अपनी आंखें भिगो लेना, अपनी माँ को याद करना कि माँ ही है जिसकी लोरी, माँ ही है जिसकी लोरी, माँ ही है जिसकी लोरी रामायण सी सच्ची है, माँ ही है जिसकी लोरी रामायण सी सच्ची है, और माँ के चरणों की मिट्टी भी गोलमूर से अच्छी है, और ईश्वर ने एक बूंद में भरकर, ईश्वर ने एक बूंद में भरकर, ईश्वर ने एक बूंद में भरकर पूरा सागर भेजा है, ईश्वर ने एक बूंद में भरकर पूरा सागर भेजा है। और इस दुनिया में कौन है जिसका माँ से बड़ा कलेजा है, इस दुनिया में कौन है जिसका माँ से बड़ा कलेजा है, इस दुनिया में कौन है जिसका माँ से बड़ा कलेजा है, दुनिया में कौन है जिसका माँ से बड़ा कलेजा है। भाई साहब बहन जी आपने 5-star होटल में खाना खाया होगा, आपने 3-star वाह एक बार तालियां हो अखिल के लिए। दुनिया कविता कवि के नाम पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, जितने बैनर मिलेंगे ये कवि सम्मेलन के मिलेंगे, कवि के नाम पर लोग कवि सम्मेलन के लिए आते हैं और हास्य करके चले जाते हैं, पर मेरे नाम के हास्य कवि लिखी है, कोशिश रहता है हास्य के नाम पर आऊं कविता करके चला जाऊं। बहुत बहुत बढ़िया बहन जी। भाई साहब 5-star होटल में खाना खाया होगा आपने, खाया 3-star में खाया होगा, ढाबे में खाया होगा। सच बताना बहन जी, बचपन में गांव में माँ के हाथ की चूल्हे की रोटी का जो मजा था वो 5-star में है? नहीं है, नहीं है। सच बताना था, राजमहल में स्वाद कहाँ है माँ की बनी रसोई का? पंक्तियां देना सही भैया। राजमहल में स्वाद कहाँ है माँ की बनी रसोई का? और ममता से मन का रिश्ता है ज्वार ज्वार की लोई का, और इमली नमक पुदीना वाली, इमली नमक पुदीना वाली, इमली नमक पुदीना वाली चटनी बने सिलौटे पर, इमली नमक पुदीना वाली चटनी बने सिलौटे पर, और 56 भोग लगा दूंगा मैं माँ के हाथ की रोटी पर, 56 भोग लगा दूंगा मैं माँ के हाथ की रोटी पर, 56 भोग लगा दूंगा मैं माँ के हाथ की रोटी पर, 56 भोग लगा दूंगा माँ के हाथ की रोटी पर। माँ क्या होती है? मेरे घर के सामने एक बार एक बकरी ने बच्चे दिए, अगर बकरी को आपके जूते की आवाज भी आ जाए तो भाग जाती है, पर जब बकरी ने बच्चे दिए और मैं उसके पास में गया तो बच्ची ने मुझे सींग से खदेड़ दिया, क्योंकि इसके अंदर एक मातृत्व था। यह शक्ति अगर किसी संसार में दी तो केवल ब्रह्म को दी, कि ठोकर को ठोकर पर रखे जब जब पर अड़ जाती है। भाई साहब ठोकर को ठोकर पर रखे जब जब पर अड़ जाती है, आए मुसीबत बच्चों पर तो दुनिया से वह लड़ जाती है, उन निर्धन बच्चों के आंगन में माँ तुलसी के जैसी है, निर्धन बच्चों के आंगन में माँ तुलसी के जैसी है, और अंदर मोम भरा है लेकिन बाहर लोहे जैसी है, अंदर मोम भरा है लेकिन बाहर लोहे जैसी है, अंदर मोम भरा है लेकिन बाहर
होता है लोगों जैसे है, और चार पंक्तियां और भाई साहब आप मंदिर जाते होंगे, आपने गीता पढ़ी होगी, आपने रामायण पढ़ी होगी, आपने धार्मिक ग्रंथ पढ़े होंगे, अगर आपको लगे कि जाते जाते अखिल जैन की ये चार पंक्तियां पूजा की पंक्तियों की तरह पढ़नी चाहिए, उपासना की पंक्तियों की तरह पढ़नी चाहिए, रोज इन पंक्तियों को ईश्वर के सम्मुख प्रार्थनाओं की तरह पढ़नी चाहिए, तो कविता की अंतिम विदाई में ताली बजाकर अपने माँ के सम्मान में तालियां बजा देना जी। स्वागत, माँ तो माँ है माँ का मैं कर्ज चुकाना पाऊंगा, माँ तो माँ है माँ का मैं कर्ज चुकाना पाऊंगा, कतरा कतरा कर्जाओं पर फर्ज चुकाना पाऊंगा, दो रोटी कम देना दाता चाहे मेरा हर सुख जाए, दो रोटी कम देना दाता चाहे मेरा हर सुख जाए, और इतना करना मुझसे कि मेरी माँ का दिल ना दुख पाए, इतना करना मुझसे कि मेरी माँ का दिल ना दुख पाए, इतना करना मुझसे कि मेरी माँ का दिल ना दुख पाए।